हाय गाइस, ये लैपटॉप टेस्ट कर रहा हूँ यार मैं कुछ दिनों से, और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये मोस्ट कंप्लीट विंडोज लैपटॉप की लिस्ट में 100% आएगा। इनफैक्ट प्रीमियम लैपटॉप भी है। इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360। केयर बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर लैपटॉप मिलता है। बाकी कंटेंट दिखाऊं तो यहाँ पर एस पेन मिलता है इस लैपटॉप के साथ, और इसके साथ में यहाँ पर ये टाइप सी केबल है, और ये 65 वॉट का चार्जर है। और क्योंकि ये 16 इंच लैपटॉप है तो यार काफी ज्यादा बड़ा साइज है इसका। तो आज की वीडियो में मैं सिंपल सी चीजें एड्रेस करने वाला हूँ, जैसे कि ये जो सैमसंग का लैपटॉप है बाकी लैपटॉप्स के मुकाबले क्या चीज एक्स्ट्रा दे रहा है, और क्या आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, एग्जैक्टली में स्पेशल क्या इस लैपटॉप में, सारी चीजों को एड्रेस करूंगा। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो, सबसे स्पेशल पार्ट इस लैपटॉप का इकोसिस्टम है, बट सेम टाइम पे जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी है ना, उनको भी कहीं ना तो कहीं अच्छा बनाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि डिजाइन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में बोला था काफी ह्यूज लैपटॉप है, स्टिल इसका वेट जो है 1.66 केजी है, और 16 इंच लैपटॉप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ काफी स्लिम भी है ये, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से कर रखी है कि काफी हैवी लैपटॉप भी नहीं लग रहा है ये। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा इसका। इनफैक्ट इस लैपटॉप की पूरी बॉडी एल्यूमिनियम बिल्ड तो है ही, साथ में वन फिंगर से तो ओपन हो ही जाता है, और क्योंकि ये 360 है तो वो एक डिफरेंट एडवांटेज है, और इसी वजह से बॉक्स में जो एस पेन दिया है वो हम आराम से यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये टच स्क्रीन लैपटॉप है। और अपने ओपिनियन की बात करूं तो जो डिजाइन लैंग्वेज भी है ना, वो मुझे प्रोफेशनल लगी है। मतलब लिड पे सिर्फ एक सैमसंग का लोगो है जो बहुत सटल लग रहा है, और एक प्रीमियम लैपटॉप के हिसाब से जज करूं ना, मेरे हिसाब से पोर्ट सिलेक्शन मुझे अच्छी लगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में ना दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, और इसी के ऊपर ये HDMI 2.1 पोर्ट है। और सैमसंग के लास्ट ईयर वाले लैपटॉप से कंपेयर करूं, पहले HDMI 2.0 था, अब 2.1 है। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर हम 8K 60 हर्ट्ज का आउटपुट ले सकते हैं, या फिर 4K 120 हर्ट्ज, या फिर 5K 120 हर्ट्ज तक भी सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली भाई अच्छी चीज है। बाकी राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, और ये USB टाइप ए 3.2 है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडफोन जैक मिलता है। और एक बहुत सरप्राइजिंग चीज मेरे को इस लैपटॉप में देखने को मिली थी, वो है इतना बड़ा ट्रैक पैड, क्योंकि यूजुअली विंडोज लैपटॉप में इतना बड़ा ट्रैक पैड नहीं मिलता, इसमें दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई यार, रिस्पॉन्सिव भी है, जेस्चर्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि यार सैमसंग ने इतना बड़ा ट्रैक पैड दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है इस लैपटॉप में, तो नम पैड होना ऑब्वियसली कुछ लोगों को अच्छा लगता है। और ये जो पावर बटन है ना, इसी में फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। और टाइपिंग के बारे में बात करूं तो मैं दिखाता हूं, काफी साइलेंट एक्सपीरियंस है, बट मेरे हिसाब से ट्रेवल थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बाकी वेबकैम की बात करूं तो ये 1080p है, बट सैमसंग का ऐसा क्लेम है कि यहाँ पे स्टूडियो क्वालिटी डुअल माइक मिलता है। और ये जो वीडियो सैंपल है ना, इसी लैपटॉप के 1080p कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें एक फीचर है AI नॉइज कैंसिलेशन। इसका काम बड़ा सिंपल सा है कि जो भी मैं अभी बोलूंगा उसमें से नॉइज रिड्यूस होगी, और अगर मैं वीडियो कॉल पे हूँ, जूम कॉल पे हूँ, तो मुझे जिस सामने वाले की भी आवाज आ रही है उसकी भी नॉइज कैंसिल करके मुझे सुनाएगा बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो ये सारी डिजाइन की बातें थी, बट मेरे हिसाब से इस लैपटॉप का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग पॉइंट यही है कि यहाँ पर सैमसंग इकोसिस्टम मिलता है। देखो, बेसिक बातें बता दो, इसमें विंडोज 11 है, MS ऑफिस मिलता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है इकोसिस्टम वाले, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो एग्जांपल के लिए ना, मैं आपको अपना फेवरेट फीचर दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरा सैमसंग का लैपटॉप भी रखा है और साथ में टैबलेट भी, और अब ना मैं आपको सीधा इस टैबलेट को लैपटॉप की सेकेंडरी स्क्रीन बना के दिखाता हूँ। देखो, अब ये बन चुका है, और ये मैं सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह यूज कर सकता हूँ, वो भी वायरलेसली। और इसी में एक और चीज हम कर सकते हैं, इस फीचर का नाम है मल्टी कंट्रोल। अब ध्यान से देखना, मैं अपने लैपटॉप के ट्रैक पैड को यूज करके ना, इसी ट्रैक पैड से मैं यहाँ पर अपने टैबलेट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इनफैक्ट सैमसंग के फोन में भी अब लैपटॉप का ट्रैक पैड चल रहा है। अब इसी में और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, मैं अगर लैपटॉप से एक फाइल ड्रैग करके सीधा टैबलेट पे छोड़ दूं ना, सीधा फाइल शेयर हो जाएगी। और ऑब्वियसली ऐसे ड्रैग करके लैपटॉप से हम फोन में भी फाइल शेयर कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं एक जगह पे कोई टेक्स्ट कॉपी करूं या फिर इमेज कॉपी करूं, तो वो आपस में हर जगह पे मैं पेस्ट कर सकता हूं। और सिमिलरली जितने भी बेसिक बाकी इकोसिस्टम के फीचर होते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने लैपटॉप से एयरफोन्स कनेक्ट कर रखे अपने और फोन पे कॉल आती है, तो ऑटोमेटिकली फोन से कनेक्ट हो जाएंगे वो। और रिसेंटली ना मेरे को एक नया इकोसिस्टम का फीचर देखने को मिला है, और ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तो लग रहा है। इस फीचर का नाम है सैमसंग स्टूडियो, और ये ना एक बेसिक सा वीडियो एडिटर है, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मैं लैपटॉप में एडिटिंग कर रहा हूं और मुझे शिफ्ट होना है फोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे, तो मैं वो सेम प्रोजेक्ट फाइल उठा के लैपटॉप या टैबलेट पे ओपन कर सकता हूं। इन शॉर्ट, एडिटिंग को किसी भी डिवाइस पे रिज्यूम कर सकते हैं, तो एक अच्छा फीचर है। और ऑब्वियसली इकोसिस्टम का कोर पार्ट जो फोन लिंक होता है वो भी मिलता है, अगर मैं चाहूँ फोन की कॉल्स लेना अपने लैपटॉप पे या फिर स्क्रीन मिरर करना, पूरे फोन को कंट्रोल लैपटॉप से किया
किया जा सकता है। पर सिर्फ इकोसिस्टम इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है यार, डिस्प्ले मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कमाल की इस लैपटॉप में डाल दी है। आई मीन जो डिस्प्ले की स्पेक्स है ना वो काफी हाई एंड है, मतलब जैसे कि जो रेजोल्यूशन है वो 3K है और जो पैनल यूज करा है वो डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। बट एक स्पेशल पॉइंट भी है कि इस लैपटॉप में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी है और इस सेम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ना सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में भी सैमसंग ने दी इस साल, और मैं पर्सनली S24 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ और ये रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग ना बहुत हेल्प करती है और ये चीज लैपटॉप में आई है, मेरे को ये चीज स्पेशल पार्ट लग रहा है। खैर वो अलग बात है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि ये लैपटॉप में किस तरीके से वर्क करती है समझने के लिए, बट यार ये चीज होना मैं बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट तो है। और पता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कैसे हेल्प करती है, मतलब मैंने देखा है यूजुअली मैंने बहुत सारे OLED डिस्प्ले लैपटॉप यूज करे हैं और उनमें रिफ्लेक्शंस आती रहती है और उस वजह से ना रिफ्लेक्शंस की डिस्ट्रैक्शन आती ही आती है डिस्प्ले पे, और इस वजह से ना बहुत सारे ब्रांड जो है आजकल मैट डिस्प्ले दे रहे हैं बट सैमसंग ने बीच का रास्ता निकाला है जो कि मुझे बहुत सही लग रहा है। इस लैपटॉप में ना विजन बूस्टर भी है जो कि ज्यादा ब्राइटनेस कर देता है लैपटॉप की, जिससे क्लियरली आउटडोर विजिबल, और कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले की मुझे फैंटास्टिक लगी है क्योंकि 168% sRGB कवर करती है डिस्प्ले एंड 118.8% DCI-P3 कवर करती है, और ये दोनों चीजें कलर एक्यूरेसी के लिए या फिर फोटो एडिटिंग व्यूरेटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं या फिर कलर एक्यूरेसी वाले काम, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्पस के लिए ये डिस्प्ले बिल्कुल सूट करेगी, चाहे फिर कंटेंट देखना हो या फिर कंटेंट बनाना हो या फिर आउटडोर यूज करना हो, ऐसी डिस्प्ले एक लैपटॉप में होना बहुत बड़ा एडवांटेज माना जाता है। इस लैपटॉप के जो स्पीकर्स है वो AKG ट्यून्ड है, क्वार्ट्ज स्पीकर्स मिलते हैं इस लैपटॉप के अंदर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ, और बाकी विंडोज लैपटॉप से कंपेयर करूं तो ये ओके साउंड करते हैं। बाकी बैटरी के कुछ स्टैट्स बताऊं तो 76 वॉट आर की बैटरी है इस लैपटॉप के अंदर, 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और सैमसंग का ये क्लेम है कि ये लैपटॉप ना 30 मिनट में 35% चार्ज हो जाएगा। इनफैक्ट सैमसंग का एक और क्लेम बताऊं, 21 घंटे लगातार वीडियो प्लेबैक कर सकता है लैपटॉप फुल चार्ज अगर हो तो। देखो हो सकता है कि ये रियल लाइफ में नंबर डिफरेंट निकले, बट स्टिल जो इंटेल ईवो की सर्टिफिकेशन मिलती है इससे ये तो हम मान सकते हैं कि एफिशिएंट होगा लैपटॉप, और इंटेल ईवो देखकर मैं बोल भी सकता हूं कि हां ज्यादा बैटरी बैकअप मिल सकता है। अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, अच्छा प्रोसेसर है, काफी पावरफुल है ये है इंटेल अल्ट्रा 7 155H, और ये जो प्रोसेसर है टोटल इसमें 16 कोर मिलते हैं जिसमें से 8 एफिशिएंसी कोर है, 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं, 2 लो पावर एफिशिएंसी कोर्स है। इनफैक्ट जो GPU भी है ना वो भी इंटीग्रेटेड है इंटेल आर्क, बट ये जो इंटेल का प्रोसेसर है ना ये एकदम लेटेस्ट है और इस साल AI पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और इस वजह से इस प्रोसेसर के अंदर डेडिकेटेड NPU मिलता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि पहले जितने भी AI रिलेटेड टास्क होते थे वो GPU परफॉर्म कर रहा था, बट अब क्योंकि डेडिकेटेड NPU है तो सारे AI वाले काम NPU करेगा। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर मैं कैमरे में यहां पर ब्लर डालूंगा इसके वेबकैम के अंदर तो मैं आपको दिखाता हूं कि NPU का यूज हो रहा है क्योंकि AI की मदद से हो रहा है, और ये चीज मैंने मल्टीपल जगह चेक करी है, जैसे कि Audacity एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर ना रिसेंटली बहुत सारे AI फीचर्स आए हैं, और जैसे ही मैं AI का यूज लेता हूं तो NPU का यहां पर काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर फ्यूचर में AI हर एक एप्लीकेशन में आती है तो डेडिकेटेड NPU हेल्प करेगा, इन शॉर्ट फ्यूचर प्रूफ बना रहा है लैपटॉप। बाकी एक और अच्छी चीज है इस लैपटॉप की कि सैमसंग ने यहां पर नॉक्स दिया है कि अगर हार्डवेयर लेवल या फिर सॉफ्टवेयर लेवल की बात करें तो दोनों जगह पे सिक्योरिटी मिलेगी। बाकी जो मेरे पास लैपटॉप है ना इसमें 16GB LPDDR5X रैम है और 1TB की SSD है जो कि PCIe Gen 4 है, और SSD का मैंने स्पीड टेस्ट किया था और रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। सिमिलरली मैंने बहुत सारे बेंचमार्क इसमें रन करे परफॉर्मेंस समझने के लिए, चाहे फिर वो Geekbench हो Cinebench जैसे टेस्ट भी मैंने रन करे है और सब में अच्छे स्कोर्स आए। चलो बेंचमार्क्स तो अच्छे है ही, पर जब मैंने रियल लाइफ टेस्टिंग करी ना मैं लिटरली मतलब काफी शॉक था देख के कि लाइट रूम में इस लैपटॉप ने कितना अच्छा परफॉर्म कर दिया है। मैंने ना लाइट रूम में 1150 फोटोज इम्पोर्ट करी जिसमें से हाफ JPEG थी और हाफ रो, और जब ये फोटोज मैंने एक्सपोर्ट करी 5 मिनट 34 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाल दिया, और ये बहुत अच्छा नंबर है। मैंने प्रीमियर प्रो का भी टेस्ट करा, 40 मिनट की 4K फुटेज इंपोर्ट करी और उस पे फिर लाइट कलर ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट निकाला, और इस लैपटॉप ने ना 52 मिनट 3 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाला। और बैटरी टेस्टिंग के लिए हैंड ब्रेक भी मैंने रन करा, मतलब जो 40 मिनट की 4K फुटेज थी मेरे पास मैंने उसको 1080p में कन्वर्ट करा और 50 मिनट में इसने कन्वर्ट कर दिया, जो कि फिर से अच्छी चीज है। इन शॉर्ट अगर मैं प्रोफेशनल टास्क की बात करूं या फिर कंटेंट क्रिएशन की बात करूं
मेरे हिसाब से भाई बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी की मशीन तो ये लगी मेरे को। खैर इस लैपटॉप पे ना थोड़ी बहुत गेमिंग भी की जा सकती है क्योंकि मैंने फोर्जा होराइजन इसमें इंस्टॉल करा था। 1080p मीडियम सेटिंग्स पे जो मैंने गेम प्ले करा 40 से 50 fps के बीच में मुझे मिले जो कि लाइक ठीक है। फिर सारी टेस्टिंग करने के बाद मेरा कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मोस्ट कंप्लीट लैपटॉप है और इसके पीछे रीजन ही यही है कि ज्यादातर डिपार्टमेंट में अगर आपने नोटिस करा हो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए कंप्लीट लैपटॉप बोला था। और अगर प्राइस की बात करूं तो ये स्टार्ट होता है 16GB रैम और 512GB स्टोरेज से और प्राइस है 1,64,000 रुपीस। और इसी का एक और 1TB वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस है 1,80,000 रुपीस। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी इस सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 की। आपको कैसा लगा लैपटॉप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो लैपटॉप्स को लेके आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर आप मेरे से डीएम कर लेना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।